हम जीवन में जो भी काम करते हैं खुशी पाने के लिए ही करते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें खुशी पाना बहुत मुश्किल काम लगता है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ हालात ऐसे होने चाहिए जिनमें हम खुश रह सकते हैं। दोस्तों, पर ऐसा नहीं है, खुशी पाना इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको कुछ आसान टिप्स बताने वाली हूँ जिन्हें आप फॉलो करके और हर हाल में खुश रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सोनी, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नेहा सोनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वाकई में खुश रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ, स्किप करके मत जाइएगा लास्ट में, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो 10 मिनट आपको टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इतना टाइम तो आप दे ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यानी कि आपकी खुशी मूल प्रकृति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं खुशी पाने के लिए ही कर रहे हैं। चाहे सत्ता हो गया, कारोबार हो गया या शिक्षा हो गया, जो भी चीजें करेंगे आप अपने जीवन में खुश रहने के लिए ही करते हैं। लेकिन क्या आप उस चीजों से खुश रह पाते हैं? दुनिया में जो भी चीजें होती हैं उनसे हमें खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि खुश रहना हमारी मूल प्रकृति है। अगर आप बच्चे थे, जब आप बच्चे थे उस वक्त आप ऐसे ही खुश हो जाया करते थे, पर आज आपको खुश रहने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, कुछ चीजों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो आप अगर इन सब चीजों को छोड़ के और खुश रहने के लिए अपने मूल प्रकृति पे चले जाएं, आप उस समय भी खुश थे जब आप बच्चे थे, उस वक्त आप ये नहीं सोचते थे कि आपके लिए क्या भला है क्या बुरा है, और आप सोच पाते हैं तो आप उन्हीं चीजों को सोच सोच के दुखी रहते हैं। तो इंसान अगर अपनी मूल प्रकृति में चला जाए तो वह खुश रह सकता है। चीजों का महत्व पहचाने। दोस्तों, आपने देखा क्या सूर्य अद्भुत तरीके से उगा हुआ है? क्या तारे कुछ अलग तरीके से हैं? या पेड़ पौधे अलग तरीके से? क्या कोई तारा टूट के नीचे गिर रहा है? आपने देखा कि प्रकृति वैसी की वैसी है, पर एक विचार का कीड़ा हमारे दिमाग में आया और यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज का दिन बुरा है। तो दोस्तों, हमारी सोच से ही हमें बुरा और अच्छा या बुरा फील होता है, क्योंकि प्रकृति तो वैसी ही है, दुनिया वैसी ही है, सिर्फ हमारी सोच जो होती है वो दिन को अच्छा या बुरा बनाती है। हाँ, ये मानते हैं कि जो भी चल रहा है या घटना घट रही है वह हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, लेकिन क्या ये सत्य है कि वो चीज़ें हमारे लिए यानी इतनी मायने रखती हैं कि हम खुशी या दुख अनुभव नहीं कर सकते? जैसे कि जो चीज़ें संसार में हो रही है, जो घटित हो रही है, वह तो एक जीवन मात्र जीवन को चलाने के लिए हो रही है, और खुशी जो होती है वो हमें अनुभव करने से मिलती है, हमें फील करने से मिलती है। तो जब पूरा ब्रह्मांड समुचित तरीके से व्यवस्थित तरीके से चल रहा है तो हमारा दिन बुरा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक विचार की भावना होती है जो हमारे हृदय में आती है, मन में आती है, और हमें यह फील कराती है कि आज का दिन बुरा है। अगर हम उसे अच्छे से फील करें तो वो हमारा दिन अच्छा हो सकता है। तो मुस्कुराइए दोस्तों, सुबह जब आप उठिए तो मुस्कुराइए, किसी और को देख के नहीं, अपने आप को देख के मुस्कुराइए। आप ऐसा प्रश्न आएगा कि अपने आप को देख के कोई कैसे मुस्कुरा सकता है, लेकिन दोस्तों आप अपने आप को देख के मुस्कुराइए और यह सोचिए कि कल रात आप सोए और आज उठ पाए, इस चीज से खुश होइए कि कल ऐसी रात थी कि कुछ लोग उठे ही नहीं होंगे और आप और हम उठ पाए, ये कितनी प्यारी चीज है, और इसे सोच के मुस्कुराइए और फिर उठिए और अपने आसपास देखिए और अपने आसपास के लोगों को देखिए, तो उनको देख के मुस्कुराइए और वो भी आपके साथ उठ पाए, ये कितनी प्यारी बात है। दोस्तों, जब ये दुनिया ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं जैसे कल रात कोई सोया होगा और आज उठा ही नहीं, तो इस चीज का जब अपना कोई ऐसा होता है या नहीं उठता उस वक्त फील होता है, तो उस वक्त का इंतजार मत कीजिए, उस एहसास को जानने के लिए इंतजार मत कीजिए कि जब ऐसा होगा तभी हम उस बात को अनुभव करेंगे। आप आज उस चीज को अनुभव करके और खुश होइए, सोचिए कि आज आप जिसे प्यार करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, वो आपके साथ है, ये बहुत प्यारी बात है, और आप इसे फील करिए और खुश होइए तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, प्यार से रहिए, सबको प्यार से देखिए और खुश रहिए। की पिस पांडे। दूसरों से तुलना करना छोड़ दे।
दोस्तों ज्यादातर लोग दुखी इस बात से नहीं होते कि उनके पास कुछ नहीं है, वो इस बात से दुखी होते हैं कि अपनी तुलना किसी और से करते हैं। आप अगर मोटर बाइक चला रहे हो तो किसी मर्सिडीज पे जाते हुए व्यक्ति को देख के आप सोचोगे कि काश मेरे पास मर्सिडीज होती और आप दुखी हो जाओगे। कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति आपको देखेगा तो वो सोचेगा कि काश मेरे पास मोटर बाइक होती और मैं खुश हो जाता। पैदल चल रहा व्यक्ति उस साइकिल वाले व्यक्ति को देखकर सोचेगा कि काश मेरे पास साइकिल होती तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों ये एक बेवकूफाना चीज नहीं है? क्या ऐसा लगता है कि क्या ऐसा करने से हम खुश रह सकते हैं? दोस्तों किसी से आप अपनी तुलना मत कीजिए, जो आपके पास है और जिस वक्त है उस चीज को उस चीज का इस्तेमाल करिए और आप खुश रहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको पाने की कोशिश मत करिए, पर जो चीज है उस चीज को ना उस चीज को इस्तेमाल ना करके और दूसरी चीजों को सोच के आप दुखी हो, ये गलत बात है। तो दोस्तों जो भी आपके पास है उसमें खुश रहिए, दूसरों की तुलना मत कीजिए। कहने का मतलब ये है कि तुलना करना छोड़ दे तो आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है उसमें खुश रह सकते हैं। बस दिक्कत यही है कि आप लोगों से तुलना करते हो और आप दुखी हो जाते हैं। दिल की बात सुने, जो भी काम करके आपका दिल खुश हो रहा हो और उस चीज से किसी दूसरे को नुकसान ना हो रहा हो तो वह काम आप जरूर करें, क्योंकि दिल से लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं पर अफसोस नहीं होता, क्योंकि वह निर्णय हमारा खुद का निर्णय होता है और किसी का थोपा हुआ नहीं होता है। तो जो भी काम करें दिल से करें और आज में जीना सीखें। दोस्तों क्या हवा को आप मुट्ठी में कैद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे ही दुख हमें अपनी मुट्ठी में कब तक कैद कर सकता है? एक दिन वह रिहा कर देता है और आपको खुशी की ओर ढकेल देता है। तो दोस्तों आप अपने बीते हुए कल को सोच के और आने वाले कल को सोच के आज दुखी मत होइए। आज आपके पास जो पल है उसे इंजॉय करिए। आप अगर आज में कल की बातें सोचते रहेंगे और कि मेरे साथ क्या हुआ, तो आज आप अपना आज खो रहे हैं और कल यह बीता हुआ कल बन जाएगा और आप इसे भी सोचकर उसी तरह दुखी होंगे जैसे बीते हुए कल को सोचकर। तो दोस्तों भविष्य में क्या होने वाला है वह हम नहीं बदल सकते, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं भविष्य में वैसा नहीं होता। भविष्य हमारे भविष्य में क्या होगा यह हम डिसाइड नहीं कर पाते, या कर भी लेंगे तो वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। तो क्यों ना हम आज में जिए और जो हमारा आज चल रहा है हम उसी में वैसा ही करें जो हमें आज जरूरत है, ना कि कल जो हमारे साथ हो चुका है या कल जो होने वाला है उस चिंता में हम आज बर्बाद करें। तो दोस्तों हमें आज में जीना चाहिए। मन में नफरत ना रखें। दोस्तों जिंदगी प्यार और अपनेपन के साथ जीने का ही नाम है। दोस्तों अपने मन में किसी के लिए भी नफरत ना रखें। अगर आप अपनों के साथ रहेंगे तो जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों जब तक की जिंदगी है अपनों को जोड़कर रखने की कोशिश करें और अपनों के साथ ही जिए। दोस्तों ज़्यादातर लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं पर खुशी देना भी एक अच्छी कला होती है। तो लोगों को खुश रखने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो दोस्तों दूसरों को खुश रखें और मन में प्यार रखें। जिंदगी खुश रहने का ही नाम नहीं है, जिंदगी में खुशियाँ देना भी एक बहुत मायने रखता है। और आप अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि जिंदगी में किसी को खुशियाँ देने में भी एक अलग ही मजा है। दर्द झेलना सीखें। दोस्त मान लीजिए आपको आपके सामने पड़ी अनाज की बोरी उठानी है, तो आपकी अगर क्षमता साधारण होगी तो आप 30 किलो की बोरी ही उठा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप अधिक क्षमता वाले और अच्छी शक्तिशाली व्यक्ति हैं तो आप 30 किलो की दो बोरी उठा सकते हैं। वैसे ही जिंदगी में हमें दुख उतना ही मिलता है जितना कि हम सहन कर सके, और अगर उससे ज़्यादा दुख मिलता है तो हम टूट जाते हैं। तो दोस्तों हमें टूटने की बजाय अपनी क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि जब हमारी क्षमता बढ़ेगी तो दर्द ऑटोमेटिक हम झेल पाएंगे। तो दोस्तों दर्द झेलना सीखें। जिंदगी अजीब है, दुखों वाली रात कोई सोता नहीं है और सुखों वाली रात कोई सोना नहीं चाहता है। तो दोस्तों
दोनों ही चीजों में हमें रात को जागना है, पर इंसान जब दुखी होता है तो यह सोचता है कि अगर मैं सुखी होता तो रात को चैन से सोता, पर क्या सुखी होने के बाद वह सो पाता है? उस रात भी वह सो नहीं पाता है। तो दोस्तों, हालात डिपेंड नहीं करते कि हमारी जिंदगी में सुख दुख क्या मायने रखते हैं, हम उसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये मायने रखते हैं। अगर दुनिया आपकी ताकत पर शक करती है तो इस चीज को बुरा मत मानिए और उस चीज को बगावत मत करिए कि लोग हमें बुरा कह रहे हैं। अगर दुनिया आपको बुरा समझती है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, लोहे की शुद्धता पर नहीं किया जाता। तो आप में कुछ काबिलियत है जिससे लोग शक होता है कि क्या ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप एक सोना सोने की तरह हैं। तो दोस्तों, दूसरों के बातों से अपने को प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर वह शक करते तो उन्हें और अच्छा बन के दिखाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे और अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करोगे तो यकीन मानिए कि आप जरूर खुश रह सकते हो और हर हालात में खुश रह सकते हो। और आपको अगर ये टिप्स अच्छे लगे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, आप भी अपने अनुभव बताने की कोशिश करें कि इंसान कैसे खुश रह सकता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।